आकाशवाणी जम्मू ऐ बडलै खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने मैं अभिलाषा शर्मा। भारतीय जनता पार्टी दे वरिष्ठ नेता ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें आखेआ जे पाकिस्तान कन्ने उसलै तक्कर कोई गल्लबात नेईं कीती जाग जिसलै तक्कर शांति स्थापित नेईं होई जंदी ऐ। औंदे विधानसभा चुनाएं दे मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार कीता तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होर अज्ज रामबन ते बनिहाल च रैलियें गी संबोधित करगन। मुक्ख चुनां अधिकारी पी के पोले होरें अधिकारियें गी जम्मू कश्मीर च ग्रीन इलेक्शन पहल तैहत बूटे लाने आली मुहिम शुरू करने की सलाह दित्ती। मुक्ख सचिव अटल डुल्लू होरें जम्मू विधानसभा परिसर च जारी कम्में की प्रगति का जायजा लैता। उन खबरें दी तफसील कन्ने श्रुति खजूरिया। भारतीय जनता पार्टी दे वरिष्ठ नेता ते गृहमंत्री अमित शाह होरें विरोधी पार्टियें दी इस गल्ला पर नुक्ताचीनी कीती जे ओ पुरानी व्यवस्था कायम करना चाहन्दियां न ते पाकिस्तान कन्नै गल्लबात दे पक्ख च न। जम्मू च पार्टी कार्यकर्ताएं गी संबोधित करदे होई शाह होरें साफ कीता जे पाकिस्तान कन्नै उसलै तगर गल्लबात नेईं होई सकदी जिसलै तगर शांति ब्हाल नेईं होई जंदी। शाह होरें आखेआ जे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए दी सरकार गुज्जर पहाड़ी बकरवाल ते दलित सने कुसै भी समुदाय कन्नै बेन्यायी नेईं होन देग जिनेंगी भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दित्ता है। शाह होरें आखेआ जे प्रदेश च होने आले विधानसभा चुनाव इतिहासिक न की जे ए चुनाव दफा 370 गी हटाए जाने मगरा पहली बारी करवाए जा करदे न। उनें आखेआ जे चुनाव इक झंडे यानी कि इक तिरंगे ते भारतीय संविधान तहत होआ करदे न। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाएं च पार्टी दे मेदवारें दे समर्थन च व्यापक प्रचार अभियान रंभिया है। इस दौरान पार्टी दे वरिष्ठ नेता ते स्टार प्रचारक प्रचार आस्तै जम्मू कश्मीर आवा करदे न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर 14 सितंबर गी जम्मू दा दौरा करगन ते औंदे विधानसभा चुनाएं दे मद्देनजर बीजेपी दे मेदवारें दे समर्थन च रैलियां करगन। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होर जेड़े दो दिन दे दौरे पर हे उनें पार्टी दे चुनावी घोषणा पत्र गी जारी कीता। कल पलौड़ा च इक रैली गी संबोधित भी उनें कीता। इस दौरान बोलदे उनें आखेआ जे सरकार विकास ते राष्ट्रीय सुरक्षा लई वचने बद्धी दी है। उंदा राजौरी ते पुंछ जिले च भी औने आले दिनें च रैलियां करने दा कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होर रामबन ते बनिहाल विधानसभा हलकें च अज्ज रैलियां करगन। गौरतलब है जे जम्मू कश्मीर च पहले गेड़ तैहत विधानसभा चुनां 18 सितंबर गी होने न, दुए गेड़ तैहत 25 सितंबर गी ते त्रीए गेड़ तैहत चुनां 1 अक्तूबर गी करवाए जाने न। पार्टी मेदवारें लई स्टार प्रचारक प्रचार करा करदे न। प्रधानमंत्री हुंदे अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी ते होर दुए वरिष्ठ नेताएं दे प्रचार करने लई इत्थे औने दी मेद है। साबका मंत्री ते उधमपुर थमां भारतीय जनता पार्टी दे मेदवार पवन गुप्ता होरें कल अपना नामांकन भरेआ ते गेड़ तैहत चुनां 1 अक्तूबर गी होना तय होए दे न। त्रीए गेड़ लई अधिसूचना 5 सितंबर गी जारी कीती गई ही। नामांकन भरने दी खीरी तरीख 12 ऐ ते अगले दिन नामांकन पत्रें दी जांच कीती जाग। मेदवार जेकर चाहन तां 17 सितंबर तगर अपना नामांकन वापस लेई सकदे न। त्रीए गेड़ तैहत जम्मू खित्ते दी 24 विधानसभा सीटें लई वोट पाए जाने न। अखीरले गेड़ च जम्मू जिले दी 11, कठुआ दी 6, उधमपुर दी 4 ते सांबा दी 3 सीटें पर वोट होन पाए जाने न। कांग्रेस ने त्रीए गेड़ लई अजें अपने मेदवारें दी घोषणा नेईं कीती ऐ, जिसलै कि बीजेपी ने मते सारे मेदवारें दे नां दी घोषणा गी खीरी रूप देई दित्ते दा ऐ ते उंदी घोषणा भी करी दित्ती दी ऐ। हालांकि किश थाहरें पर उन्ने भी अपने मेदवारें दे नां अजें जारी नेईं कीते हैन। कल ऐतवार ऐ ते मेद ऐ जे सोमवार नामांकन भरने दी प्रक्रिया च तेजी औग। चुनाएं शा पैहले आम निगरान होरें समूलचे जम्मू खित्ते दे विधानसभा हलकें च मतदान केन्द्रें दी व्यापक समीक्षा कीती है। किश्तवाड़ च विधानसभा खेत्तर इंद्रवाल च निगरान डॉ ए अरुण होरें मतदान केन्द्रें दा जायजा लैता। उनें मतदान सरबंधी इंतजामें दा जायजा लेआ ते बजुर्गें, मतदाताएं, महिलाएं ते दिव्यांगें दी सुविधा उप्पर खास ध्यान देइयै इंतजामें ते सब्भनें जरूरी सहूलतें दी उपलब्धता बारै पुच्छगिच्छ कीती। गुलाबगढ़ लेई आम निगरान सरोज कुमार सेठी होरें रियासी ते श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा हलके लेई अवि प्रसाद सने पुलस निगरान प्रदीप कुमार यादव होरें भी जिले च विधानसभा चुनाएं दी तैयारियें दी समीक्षा कीती। इनें निगरानें रमानदारी, निरपक्ख, पारदर्शी ते शांतिपूर्ण ढंगै सिर चुनाव कराने पर जोर दित्ता। उआं विधानसभा हलका डोडा ते डोडा वैस्ट लेई आम निगरान होरें स्ट्रांग रूम दा निरीक्षण कीता। इसदे अलावा हवेली विधानसभा हलके लेई भी चुनाव निगरान ते
पुलस निगरान होरें संवेदनशील इलाके दा व्यापक निरीक्षण कीता। पुंछ जिले च कब्जा रेखा कन्नै लगदे संवेदनशील इलाके च मतदान केन्द्रें लेई जरूरी इंतजाम यकीनी बनाने लेई कुसै बी चुनां निगरान दा एह पहला दौरा हा। उधमपुर दियां जिला चुनां अधिकारी सलोनी राय होरें कल डीसी दफ्तर उधमपुर थमां स्वीप वैन गी झंडी दस्सियै रवाना कीता। इसदा मकसद ग्रामीण इलाकें च जागरूकता पैदा करना ऐ। इस दौरान लोकें गी विधानसभा चुनां 2024 बारे जानकारी दित्ती गई। उनेंगी वोट पाने दे अधिकार बारे भी अवगत करवाया जा करदा ऐ। मीडिया गी संबोधित करदे होई जिला चुनां अधिकारी होरें इस जतन दे मकसद पर लो पाई। इस दौरान बोलदे होई उनें आखेआ, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जब से अनाउंस हुए हैं तब से उधमपुर जिले में लगभग हर रोज अलग अलग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज हमने डीसी ऑफिस से स्वीप वैन को फ्लैग ऑफ किया है, तो सभी दूर दराज इलाकों में जाएगी और वहां पे वोटर्स को अवेयरनेस देगी कि उनको अपना वोट जरूर कास्ट करना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 आस्तै नामांकन भरने की खीरी तारीख 15 सितम्बर है। महिला ते बाल विकास मंत्रालय हर बरे जनवरी च इन्हें पुरस्कारें का आयोजन करता है। जेतुएं दी घोषणा इस बरे 26 दिसंबर गी वीर बाल दिवस दे मौके पर कीती जाग। इस इनाम दा मकसद बच्चें दी ऊर्जा, संकल्प, क्षमता ते उत्साह गी सम्मानित करना है। एह पुरस्कार 5 थमां 18 बरे तकर दी उमरी दे बच्चें गी दित्ते जंदे न। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कारें दी अधिकारिक वैबसाइट राएं भरे जाई सकदे न। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुना दे ओ। तुहान बाकी दी खबरें कन्नै अभिलाषा शर्मा। मुख चुनाव अधिकारी पांडुरंग के पोले होरें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाएं दौरान भारतीय चुनाव आयोग आसेआ पर्यावरण अनुकूल बूटे लाने आली मुहिम ते ग्रीन इलेक्शन पहलकदमी पर चर्चा करने लेई इक महत्वपूर्ण बैठक दी अध्यक्षता कीती, जेदे च चुनाव आयोग दा 1 लक्ष शा बद्ध बूटे लाने दा विचार ऐ। मुक्ख चुनाव अधिकारी होरें विधानसभा चुनाएं दौरान पूरे केन्द्र शासित प्रदेश च होने आली इस मुहिम बारे विचार विमर्श कीता तां जे मतदाताएं च पर्यावरण प्रबंधन गी बढ़ावा दित्ता जाई सके ते चुनाव प्रक्रिया दौरान पैदा होने आले कचरे दे कारण पर्यावरण उप्पर होने आले असर दी भरपाई भी कीती जाई सके। मुक्ख चुनाव अधिकारी होरें सब्भनें हितधारकें गी हिदायतां दित्तियां जे सब्भनें मतदान केन्द्रें च चुनाएं दी निर्धारित तरीकें दौरान इस मुहिम दा आयोजन कीता जाग। पीके पोले होरें जिला चुनाव अधिकारियें गी आग्रह कीता जे ओ हर विधानसभा क्षेत्र च ग्रीन पोलिंग स्टेशन दे तौर पर पंछाने गेदे मतदान केन्द्र दे परिसरें च 100 शा मते बूटे लाने दा लक्ष्य तय करन, जिसलै के बाकी मतदान केन्द्रें दे परिसरें च घट्टो घट्ट 10 या 15 बूटे लाना लाजमी होग। एदे अलावा जेकर मौजूदा थाहरें पर इस मुहिम तैहत बूटे नेईं लाए जाई सकदे न ते वैकल्पिक मतदान केन्द्रें दी पंछान 15 सितम्बर 2024 तकर सरबंधित जिला चुनां अफसर गी रिपोर्ट करने लेई निर्देश जारी कीते गए न। जम्मू कश्मीर च औंदे विधानसभा चुनाएं थमां पैहले मुक्ख सचिव अटल डुल्लू होरें विधानसभा परिसर जम्मू दा दौरा लाया ते जारी कम्में दी प्रगति दी समीक्षा कीती। मुक्ख सचिव होरें मुतलका अधिकारियें गी आखेआ जे कम्में गी बिजन कुसै चिर दे समें सिर पूरा करना यकीनी बनाया जा। उनें परिसर दे बक्ख-बक्ख हिस्सें दा दौरा लाया ते आपूं इंदी प्रगति दा मुआयना भी कीता। एदे अलावा उनें मुतलका मैह्कमें गी इंटरनेट कनैक्टिविटी, साउंड सिस्टम ते होरनें स्हूलतें च सुधार करने पर भी बल दित्ता। उनें नेड़में होस्टल दा भी दौरा लाया ते परिसर च लोड़चदी सुविधाएं दी व्यवस्था करने लेई आखेआ। जम्मू दे एस्टेट्स निदेशक तारिक अहमद गनेई होरें मुक्ख सचिव होरें गी जानकारी दित्ती जे दौनें परिसरें च कम्म जोरें शोरें कन्नै जारी ऐ ते उनें आखेआ जे इनें कम्में पर नियमित तौर पर तक रखी जा करदी ऐ ते इंदा कम्म तौले गै पूरा होई जाग। उत्तरी कमान दे जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एम बी सुचेंद्र कुमार होरें उधमपुर दे रजंगला हाल च रक्षा संवाददाता कोर्स डीसीसी 2024 च समूलचे भारत थमां हिस्सा लैने आले 34 पत्रकारें गी सम्मानित कीता। इस कोर्स दा आयोजन रक्षा मंत्रालय दे जनसंपर्क निदेशालय आसेआ कीता गेदा हा। जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ होरें अपने संबोधन च रक्षा पत्रकारें यानि डिफेंस जर्नलिस्ट गी ऑपरेशनें बारे समझदार तरीके कन्नै रिपोर्टिंग करने पर ते बहादुर जवानें बारे रिपोर्टिंग करने पर जोर दित्ता। उनें खास तौरा पर नियंत्रण रेखा कश ते संवेदनशील इलाके च रक्षा गतिविधियें बारे रिपोर्टिंग करदे होई राष्ट्रीय सुरक्षा पर चेचा ध्यान रखने पर भी जोर दित्ता। एदे कन्नै गै उनें राष्ट्र निर्माण च पत्रकारें दी भूमिका पर भी लो पाई। इस कोर्स च हिस्सा लैने आले कारवर मुंबई च नौसेना दे मॉड्यूल ते सुलूर तमिलनाडु दे वायुसेना मॉड्यूल मगरा 1 सितम्बर 2024 गी जम्मू पुज्जे हे। कोर्स दौरान प्रतिभागियें काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स दे मुख्यालय दा दौरा लाया ते यूनिट दे कम्मकाज दी पूरी समझ हासल कीती, जेदे च मनुक्खी अधिकारें लेई उंदी प्रतिबद्धता ते सद्भावना गतिविधियां भी शामल हियां।
सेना दी व्हाइट नाइट कोर आसिया नगरोटा सैन्य स्टेशन च साबका फौजियें तक्कर पुज बनाने आले इक कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गया। इसदा मकसद साबका फौजियें दे मामले ते समस्याएं पर चर्चा करना हा। व्हाइट नाइट कोर दे जीओसी होरें सत्र दी अगुवाई कीती। इस दौरान साबका फौजियें दे मुद्दे ते परेशानियां गी सुनिया गया ते उंदे थमां सुझाव भी लैते गए। साबका फौजियें ते उंदी घरेआलियें सेना दे इस जतन दी सराहना कीती। एदे कन्ने गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ।